बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर का यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल अपने चैनल में वेलकम और खुश आमदीद कहता हूं। इस वक्त हम आ चुके हैं नादरक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जा रहे हैं जहाँ पर आपको बताएँगे कि आप वैक्सीनेशन एतराज कैसे करवानी है, इसके साथ ही आपने सर्टिफिकेट कैसे हासिल करना है। इसमें एक सवाल ये ज़्यादा लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि क्या हम वैक्सीनेशन के बग़ैर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, तो ये तरीका भी देख लेते हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका नादरा ने मुतारफ़ करवाया है कि हम डोज़ बाद में लगा लें और यानी वैक्सीन बाद में लगा लें, पहले सर्टिफिकेट हासिल कर लें। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे तीन वेबसाइट आपके सामने ऑप्शन जो नज़र आ रही हैं, तो सबसे पहले ये तो सबको पता है कि अगर आपने इतराज कराना है तो 1160 पर SMS करें या ऑनलाइन jio.pk नादरा MS पे आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ से किसी एक पर क्लिक करें, हम पहले वाली पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुकम्मल उन्होंने बताया कोरोना का सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में दुरुस्त की, सर्टिफिकेट की तस्दीक। तो यहाँ पे जनाब आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से अपना जो ऑपरेटर है वो सेलेक्ट करना है और इतराज करा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका नज़दीक कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर है, फिर आप वहाँ से वैक्सीन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, अगर आप रीड करके देखें तो वो कह रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इतराज के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फ्राहम करें, या अगर आप पहले ही अपना इतराज करा चुके हैं और अपना हेल्थ केयर यूनिट को तब्दील करना चाहते हैं तो अपने शनाख्ती कार्ड नंबर और SMS के जरिए मसूल करदा तस्दीक को कोड फ्राहम करें। मज़ीद मालूमात के लिए बराए कराम ज़ैल में दी गए सलवात पढ़ें अगर पूछे गए। तो यहाँ पर पहला सवाल है, क्या मैं कोविड वैक्सीनेशन के लिए किस तरह इतराज करवा सकता हूँ? तो 1160 है या वेबसाइट है। दूसरा सवाल है, कोविड-19 वैक्सीन के लिए मुझे कितनी अदायगी करनी पड़ेगी? तो इसके लिए वैक्सीन तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन आपको वैक्सीनेशन का तफ़ीज़ करदा हेल्थ केयर यूनिट तब्दील करा सकता हूँ, तो इसके लिए भी आपको 1160 पे मैसेज करना होगा। कितने दिन के अंदर हेल्थ केयर यूनिट तब्दील कराया जा सकता है, ये आपको मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद सर्विस 1160 पर SMS भेजने के बाद कितनी फ़ीस है? कोई फ़ीस नहीं है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की कितनी फ़ीस है? 100 रुपया फ़ीस है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कहाँ से हासिल किया जा सकता है? तो ये अभी हम उस वेबसाइट पे जा रहे हैं, ठीक हो गया जी। ये चीज़ कंफर्म, आप चलते हैं दूसरी वेबसाइट पर, अपना नेम NIMS, ठीक है। ये NCOC की नहीं, हमने ये वाली करनी है, एम्प्लीजिएशन प्रोग्राम नादरा। सॉरी, तो ये मैं लिंक दे दूंगा, आप ये डेमो पढ़ लें, ठीक है। ऑनलाइन इशू सर्टिफिकेट अबाउट दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑनलाइन फिल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी फिलिंग नहीं करनी है, तो जस्ट मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, PDF में मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बाद आपने ये काम करना है, ठीक है। स्टेप 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखें जी स्टेप 3 में, स्टेप 3 में आपने तमाम तर ये स्टेप 1 फॉलो करना है, टर्म एंड कंडीशन। स्टेप 2 में पेमेंट डिटेल, स्टेप 3 में पेमेंट रिसेप्शन और रिव्यू होगा, फिर आपको 5वें नंबर पर ये डाउनलोड मिलेगा, ठीक हो गया। इसके बाद जो है आपने पेमेंट कैसे करनी है इसकी, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, यहाँ पे कार्ड नंबर देना है, इसके बाद CVC नंबर देना है। तो यहाँ पे आपने कार्ड फिल करना है, एक्सपायरी डेट देनी है और एक्सपायरी साल देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है जो जो लिखी हुई है। इसके बाद भाई नीचे आ जाएं, तो प्रिंट पेमेंट रिसेप्शन टू कंटिन्यू, ठीक है। अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो स्टेप 4 पे लेके जाए, डायरेक्ट प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट पे आप प्रिंट रिसेप्ट पे कार्य करें, ओके। स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पे अपना फिर आपने ये चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद पे 7,
आपको इस तरह का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, ये जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी, जो लोग ये कह रहे थे कि भाई विदाउट वैक्सीन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आपको एक जो है टीका लगाना होगा, डोज लगानी होगी। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखें ना, अब इस बंदे ने वैक्सीन में मैन्युफैक्चर बैच नंबर साइनोफार्म चाइना नेशनल जो है फार्मेटिकल ग्रुप्स की वैक्सीन जो है लगाई है, और दो वैक्सीन लगा चुका है ये, ठीक है, 4/2/2021 और दूसरी इसने 26/2/2021 को लगाई है, पहली माया हॉस्पिटल, दूसरी माया, ठीक है। तो इस तरह भाई आपका रिकॉर्ड आ जाता है, ठीक है ना, कुछ लोगों का ये शायद ख्याल था। तो मज़ीद आप इसमें ये सारी चीज़ें हैं पढ़ लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, बार बार वो बता रहे हैं। समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ये दो लिंक्स हैं, इनको आप फॉलो कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।